इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो कि हो रही है यूएसए में, जिसमें पहला 9th मैच है शारजा वर्सेस एमआई एमरेट। देखो ग्रैंड लीग की टीम की तरफ चलते हैं जो कि हम बताने वाले, और पिच रिपोर्ट भी आप साथ साथ सुन लो। जो कि अपनी पिच रिपोर्ट है वो थोड़ा यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलता है, और यहाँ पे पेसर कटर डालते हैं उनको भी हेल्प मिलता है, और बैटिंग के लिए भी बढ़िया पिच है। औसतन यहाँ पे 170 180 के करीब स्कोर बनता ही है, तो उसी अकॉर्डिंग हम ग्रैंड लीग की पहली टीम बनाते हैं जिसमें एमरिड पहले बैटिंग करती है। तो क्या टीम बनती है, एमरिड पिक कर लेंगे और निकलस पूरन पिक कर लेंगे एमरिड की टीम से, कुशल परारा खेल रहा है ओपनिंग आ रहा पिक कर लेंगे, और भैया जॉनसन चार्ल्स भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में, आपका रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ मैं क्या कर रहा है। देखो भाई 2 मैचों में बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है, 93 छक्के चौके में डील कर रहा है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। एंडो फ्रेचर भाई इसका बैटिंग ऑर्डर डाउन कर दिया मगर शानदार प्लेयर है, पिक कर सकते हो। और भाई डिक वेला बैट्समैन बहुत बढ़िया है मगर इसका बैटिंग ऑर्डर डाउन कर दिया, आपके सामने रिकॉर्ड है। कुशल परेरा का बता देता हूँ, क्या लास्ट मैच खेला था ओपनिंग करा था, और निकलस पूरन का भी आप देख सकते हो, निकलस पूरन का ये रिकॉर्ड है आपके सामने। ये हर मैच में पॉइंट दे रहा है, 40-35 रन मार रहा है, विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो और ज़्यादा एडवांटेज है। और भाई हम यहाँ से एमरिड की साइड से टिम डेविड भाई एक मस्ट ऑप्शन है, जो कि टिम डेविड है, लास्ट मैचों में 2 कैच पकड़ के जब जब बैटिंग आ रही है अच्छी बैटिंग हिटिंग कर रहा है। मोहम्मद वसीम पिक कर लेंगे एमरिड की साइड से, और काटमोर भाई काटमोर अच्छा प्लेयर है मगर चला नहीं है, मगर पिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फिलहाल तो और कोई उतना खास नहीं है। डैन ब्रावो पिक कर लेंगे, मेन गेंदबाज है फिलहाल, पिछले मैच में ओवर डाला नहीं, फिलहाल मैं अभी पिक कर रहा हूँ, हो सके ड्रॉप कर दूँ, फिलहाल चलो ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ओवर डाला नहीं है। डैनियल सैम भाई मेन ऑलराउंडर है शारजा का, तो पिक करना ही करना, और तो और उतना कोई खास दिख नहीं रहा। देखो एमरिड की एमरिड बॉलिंग करती है, देखो बोल्ट ले लेंगे, अली हुसैन ले लेंगे, फरूकी ले लेंगे, और एक सलमा खाली ले लेंगे, चाइना मैन स्पिनर है, और ये पाकिस्तान का रोहित खान भैया, ये रोहित खान वही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट मैच में हमने सोचा था यूई का प्लेयर है मगर बहुत बढ़िया बॉलिंग करके गया, 3 ओवर में 3 विकेट, बहुत शानदार गेंदबाज है ये, चाइना मैन है, चाइना मैन स्पिनर है अफगानिस्तान का, बहुत ही अच्छा स्पिनर है, डेथ में डालता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फरूकी का तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ये देखो क्या ही फॉर्म चल रही है इसकी, तो इम्पोर्टेंट है। और अली हुसैन का हमने लास्ट टाइम हमने पिक किया था, 2 मैचों से फ्लॉप था और लास्ट मैच में अच्छा करके गया। टेट बोल्ट का तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, 2 ओवर पावर प्ले में 2 ओवर डेथ में, पिछली बार 4 ओवर पूरे पावर प्ले में डाल गया था। क्रिस वॉस पिक करना ही करना है भाई, इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये हमारी टीम बन गई एमरिड के हिसाब से, जहाँ एमरिड फर्स्ट बॉलिंग करती है, तो इसका कप्तान तुम बना सकते हो, टेट बोल्ट बना सकते हो, फरूकी बना सकते हो, रोविन खान बना सकते हो, या स्पिनर बना सकते हो, या तुम पूरन बना सकते हो। फिलहाल मैंने अभी पूरन कप्तान बनाया है, वाइस मैं अभी बना सकता हूँ, टेट बोल्ट को बना सकता हूँ, तो फिलहाल या डैनियल सैम भी बना सकता हूँ। फिलहाल डेमो टीम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है निकोलस पूरन, कुशल परारा, रोशन चार्ल्स, वसीम, डैनियल सैम, टेट बोल्ट, क्रिस वॉस, अली हुसैन, फरूकी, जलमा खेर और रोहित खान। ये हमारी एमरेट की साइड से पहली टीम बन गई है जो कि हमारी ग्रैंड लीग की। अब सेकंड टीम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी सेकंड टीम क्रिएट होगी, सेकंड टीम क्रिएट कर रहे हैं हम, सॉरी। अब शारजा की अकॉर्डिंग शारजा यहाँ पहले बॉलिंग करती है, तो बॉलिंग की तरफ सबसे पहले चले जाएंगे शारजा के, मधुसन का ले लेंगे, क्रिस वॉक्स ले लेंगे, और यहाँ थिकसाना, लास्ट टाइम जो थिकसाना मैच खेला है इस ग्राउंड पे कितने विकेट लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भैया 134 पॉइंट दिए हैं जो कि इसी ग्राउंड पे दिए थे, इसने 4 विकेटें ली थी बड़ी शानदार। और क्रिस वॉक्स का भी दिखा देता हूँ पहले मैच में क्या किया, यहाँ पे इसने बैटिंग 2 विकेट लिए थे और 24 रन मार गया था, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है पिक करना। मधुसन का भाई लास्ट टाइम खेला था, कुछ खास किया नहीं मगर इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, मैं पिक कर रहा हूँ। और शारजा का एक गेंदबाज और पिक करेंगे, क्यूज अहमद भैया, इसने 2-3 मैचों से कुछ किया नहीं है मगर इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, चलेगा तो गुच्छे में विकेट लेगा, ठीक है ना भाई, ये चीज़ ध्यान देना, तो इस कारण मैंने इसको पिक किया है। और भैया उनका मेन गेंदबाज टेट बोल्ट को मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ,
अब यहाँ से डैनियल सैम पिक करना है, प्लस कप्तान बनाना है, चौथे बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग भी आपको पता ही है, सरजा की स्लो पीछे कटरे डालता है, अच्छी डालता है। और पांच गेंदबाज हमने ले लिया, बैट्समैन की तरफ चलते हैं, सरजा का बैट्समैन। तो सरजा के बैट्समैन है काटमोर पिक कर लेंगे, और आपका मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करता हुआ दिख सकता है। हाँ, ओपनिंग मार्टिन गप्टिल करेगा तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से रोस्टन चार्ज ले लेंगे, डिक वेला का बैटिंग ऑर्डर डाउन है। और भाई एमरेड की साइड से किस प्लेयर को पिक करेंगे, निकोलस वुरन पिक कर लेंगे, और आपका एमरेड की तरफ से आपका डैन ब्रावो पिक करूँगा क्योंकि लास्ट में डालता है, और वसीम मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं एक गेंदबाज पिक करूँगा जो कि हेल्प मिलती है जिसको, जबर खेल। फिलहाल देखो कप्तान वाइस की तरफ चलते हैं जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट, डैनियल सैम। वाइस मेरा थिकसाना रहेगा इस ग्राउंड में, मैंने बताया ना 4 से 5 विकेट लेके गया। तो भैया ये सेकंड टीम बन गई है जो हमारी सारजा के हिसाब से, सारजा बॉलिंग फर्स्ट करती है। तो अब मैं डैन ब्रावो और जबर खेल की जगह दो बैट्समैन भी प्रेफर कर सकता हूँ जो नीचे बैटिंग करते हैं, टिम डेविड भी। फिलहाल ये डेमो टीम सेकंड बन गई, अब स्मॉल लीग की टीम की तरफ चलते हैं। अब देखो स्मॉल लीग टीम क्रिएट करते हैं जिसमें पहला ऑप्शन होगा निकोलस वुरन। भाई इसको पिक करके चलना है, हार जाओ या जीत जाओ इसको पिक करना ही करना है। कुशल पेरेरा थोड़ा रिस्की प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए, आप चाहो तो रिक्स ले सकते हो। मैं जोसन चार्ल्स और निकोलस वुरन दोनों को पिक कर रहा हूँ। फ्लेचर का बैटिंग ऑर्डर डाउन हो गया। फिलहाल बैट्समैन की ओर बढ़ते हैं, बैट्समैन में आपका मस्ट पिक होगा मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करता है, तो अभी तो खेल दिखा रहा है, खेल नहीं रहा तो मैं इसलिए ले नहीं रहा। फिलहाल वसीम पिक कर लेंगे, बहुत ही शानदार प्लेयर है यहाँ का, पिछले साल अच्छा करके गया। फिलहाल टॉम और काटमोर पिक कर रहा हूँ, गप्टिल होगा तो पिक कर लूँगा। देखो भाई डैन ब्रावो पिछले मैच में ओवर डाला नहीं मगर इम्पोर्टेंट पिक है, फिलहाल मैं भी रिक्स नहीं ले रहा इसलिए ले नहीं रहा। डैनियल सैम भाई कप्तान का दावेदार है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर है, चौथे बैटिंग प्लस 4 ओवर। गैगरी से ओवर उतना डलवा नहीं रहे तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं। टेड बोल्ट पिक कर लूँगा, क्रिस वॉक्स पिक कर लूँगा, थिकसाना पिक कर लूँगा, और यहाँ पे अभी एक गेंदबाज और पिक कर सकते जहाँ स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिलती है, अली हुसैन या क्यूज अहमद। फिलहाल मैं अली हुसैन को पिक कर रहा हूँ, और भाई एक दो बैट्समैन सोच रहा हूँ लेने के लिए। फिलहाल मैं अभी मार्टिन गप्टिल ले ही लेता हूँ, और एक बैट्समैन लेने का और मन कर रहा है जिसका नाम है कुशल पेरेरा। फिलहाल मैंने अभी सेम टीम बना ली है, रिक्स क्यों लूँ, एक आधा गेंदबाज क्यों बढ़ाऊँ, फिलहाल तो अभी मैं बैटिंग के हिसाब से जा रहा हूँ। फिलहाल डैनियल सैम मेरा मस्ट पिक कप्तान के दावेदार है, आप चाहो तो पूरन को ही बना सकते हो, बहुत शानदार है। रोस्टन चार्ल्स ये मुझे लग रहा है फ्लॉप हो सकता है, स्मॉल लीग में रिक्स ले सकते हो तो रोस्टन चार्ल्स मेरे हिसाब से फ्लॉप होना चाहिए, तो फिलहाल मैंने अभी लिया हुआ है, सेफ टीम जा रहा हूँ। निकोलस वुरन भी वाइस का दावेदार है, और भैया काटमोर का एक इनिंग आएगा भाई देखना, कम से कम 50-60 रन की। भाई फिलहाल मैं वाइस बना रहा हूँ इसको, थिकसाना को क्यों बना रहा हूँ आप देख लेना, या मैं क्रिस वॉक्स भी बना सकता हूँ क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करता है और बॉलिंग तो आपको पता ही है, 1 से 2 विकेट ले रहा है। तो फिलहाल मैं अभी थिकसाना और वॉक्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो फिलहाल मैं वॉक्स के साथ ही जा रहा हूँ, या अभी थिकसाना ही रहने देता हूँ, देख लेंगे। डेमो टीम आपके सामने आ गई है, इसमें हमारे पास पूरन है, कुशल पेरेरा है, रोस्टन चार्ल्स है, मार्टिन गप्टिल है, काटमोर है, वसीम है, डैनियल सैम, क्रिस वॉक्स, थिकसना, अली हुसैन, टेड बोल्ट। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लाइक और कमेंट के साथ तैयार है।